नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और मैं आपके लिए एक रियल जॉब क्वेरी का यहाँ पे एग्जांपल लेके आया हूँ। ये क्वेरी मुझे पूछी थी रुपेश जी ने। उस सवाल का जवाब मैंने वीबीए कोडिंग में बनाया, लेकिन उसके बाद एक जैकी चावला मेरे व्यूअर है जिनका नाम है जीतेश, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि हम ये डेटा वैलिडेशन की मदद से भी बना सकते हैं सर। तो जैकी चावला ने एक अमेजिंग डेटा वैलिडेशन का जो रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर किया वो क्या है, ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर कि क्या क्वेरी थी रूपेश की और जैकी चावला ने क्या मेरे साथ रिज़ल्ट शेयर किया है। वो बहुत अमेजिंग है, आप सबको भी ये रिक्वायर्ड हो सकता है। तो चलिए बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। लेट्स मूव ऑन अ कंप्यूटर एंड लर्न टुडेज क्वेरी। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो कॉलम है मेरे पास, एंटर नेम एंड एंटर कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के कॉलम में मैंने ऑलरेडी एक कॉन्टैक्ट नंबर एंटर किया। अगर मैं यही कॉन्टैक्ट नंबर सेकेंड नंबर में फिर से एंटर करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है मैं वही कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर रहा हूँ। तो एंटर करने के बाद मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है वो लिस्ट में पहले से है। आप अगर यस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नो करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरा नंबर एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा नंबर एंटर कर देता हूँ तो वो एक्सेप्टेड है। तो आपको दिखाई दे रहा है कोई भी सेल में आप ऐसे टाइप करेंगे यहाँ पे, वो कॉन्टैक्ट नंबर अगर पहले से अवेलेबल है, सपोज ऊपर के सेल में वो पहले से अवेलेबल है, आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है वो लिस्ट में पहले से है, तो आपको ये मैसेज शो होने वाला है। अगर आप इसे यस करेंगे तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपको डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी है ये आपके ऊपर रहेगा। यहाँ पे इस तरह से अलर्ट शो होगा दोस्तों। तो ये जो क्वेरी थी, एक मेरे यूट्यूब के व्यूअर है जिनका नाम है रुपेश बेलेकर, उन्होंने मुझे पूछी थी। और वो क्वेरी मैं सॉल्व करने के पहले मेरे दूसरे के व्यूअर है, उन्होंने कमेंट पढ़ी रुपेश जी के, और जितेश चावला उनका नाम है, उन्होंने उनकी क्वेरी सॉल्व कर दी और उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया कि किस तरह से उन्होंने उनकी क्वेरी सॉल्व की। तो मैं अभी आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि अगर डुप्लीकेट नंबर आपको भी इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करना है कॉलम के अंदर का, तो किस तरह से करेंगे ये यहाँ पे देखेंगे। ये एक डेटा वैलिडेशन का लेक्चर है दोस्तों। डेटा वैलिडेशन में और एक चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने अमोल कंदारे नाम लिखा, ये भी मेरे एक व्यूअर है एक्चुअली, ये सभी मेरे व्यूअर है जो रेगुलरली वीडियो देखते रहते हैं, तो उनका नाम यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब मैं अमोल कंदारे यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ, सपोज अमोल कंदारे के आगे, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपने नाम में एक्स्ट्रा स्पेस एंटर किया है, रिट्राई, और यहाँ पे ये स्पेस आपको हटाना पड़ेगा। ये बहुत सारी दिक्कत रहती है क्योंकि जब आप आपके डेटा के ऊपर कुछ काम करते हो और उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर कोई ऐड करता रहता है तो आपको फिर वो एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने पड़ते हैं ट्रिम फंक्शन यूज करके। तो आपको पहले से ये रिस्ट्रिक करना है आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो आप किस तरह से रिस्ट्रिक्शन करेंगे, जैसे ही यहाँ पे कहीं पे भी आप स्पेस दीजिए, स्टार्टिंग में स्पेस दीजिए, जैसे सिकंदर मोमिन के स्टार्टिंग में मैंने स्पेस दिया है, तो आपने नाम एंटर किया है, एक्स्ट्रा स्पेस है वहाँ पे, तो आप इसे कैंसिल करके फिर से दोबारा लिखेंगे। यहाँ पे गौरव शिंदे के अंदर स्पेस दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं कैंसिल करूंगा। प्रभाकर पवार में बाद में मैंने स्पेस दिया एंडिंग में, तो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेसेस एंटर करते हो तो वो नाम उस लिस्ट में एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने डेटा वैलिडेशन से रिस्ट्रिक्शन किया है और इसके लिए भी मैंने डेटा वैलिडेशन से रिस्ट्रिक्शन किया है। तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखने वाले डेटा वैलिडेशन की मदद से एक्सेल के अंदर किस तरह से रेस्ट्रिक्शन दे सकते हैं और प्रॉपर डेटा यूजर से एंटर करवा के ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टू लर्न ऑन एक्सेल फाइल। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं मेरे एक्सेल फाइल के अंदर दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एंटर किया एंटर नेम और इस तरह से मैंने एंटर कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे अभी कोई डेटा वैलिडेशन नहीं है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं सपोज इस तरह से, तो अभी आपको यहाँ पे कोई डेटा वैलिडेशन नहीं, वही नंबर यहाँ पे मैंने दोबारा एंटर किया है तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं आया। तो अभी रिस्ट्रिक्शन मुझे यहाँ पे देना है, तो किस तरह से दूंगा मैं आपको बता देता। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा वैलिडेशन के अंदर जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, वहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करूंगा वैलिडेशन के अंदर वो यहाँ पे एक्सप्लोर कर देता हूँ। वो इस तरह से है, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ काउंट इफ फॉर्मूला। काउंट इफ फॉर्मूला इस तरह से होगा, रेंज हम लोग रेंज लेंगे, ये वाली रेंज, अभी ये रेंज पूरा लेंगे हम लोग यहाँ पे। इस रेंज के अंदर सी कॉलम की रेंज ली और सी कॉलम के अंदर मैं चेक करूंगा यहाँ पे C1 C2 जो भी सेल है, अभी C2 है फिलहाल, C2 सेल है सामने वाली लेफ्ट साइड की रिस्पेक्टिव सेल में ले रहा हूँ यहाँ पे। अगर C2 सेल में यहाँ पे 1 आ जाता है तो आपको यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है फॉल्स। अभी यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं वैल्यू, तो यहाँ पे चलिए कुछ वैल्यू डाल देते हैं, मतलब काउंटिंग होना चाहिए ना कुछ ना कुछ, तो काउंटिंग यहाँ पे मैंने कर दिया इस तरह से, यहाँ पे दिख रहा है 1।
तो ये सेल में मैंने जो वैल्यू टाइप की है उसका अगर 1 से वैल्यू मैच है तो ये जरा ध्यान से समझ लीजिए, इस सेल में जो भी वैल्यू काउंट कर रहे हैं हम लोग, इस रेंज के अंदर वैल्यू काउंट होगी ये वाली जो टाइप की है, वो वैल्यू अगर एक ही बार है तो आएगा ट्रू फंक्शन। समझ में आ रहा है ये आपको मैं क्या बता रहा हूँ? ट्रू फंक्शन आएगा। अगर वो वैल्यू उस रेंज में दो बार आ जाती है कहीं पे भी तो उसको वो करेगा फॉल्स। दिखाई दे रहा है आपको दो बार आ रही है तो फॉल्स, तो ये फॉल्स है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो दो बार आ चुकी है। अगर वो यहाँ पे इसकी जगह दूसरी कुछ वैल्यू आप टाइप कर लेते हैं यहाँ पे 7 3, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। दिखाई दे रहा है आपको, मतलब एक ही वैल्यू अगर उस रेंज के अंदर, इस रेंज, ये रेंज आपको दिखाई दे रहा है सी कॉलम में, C2 की जो वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर कितनी बार आ रही है, एक बार आ रही है तो ट्रू हो जाएगा, दो बार आ रही है या दो से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा जितनी बार आ रही है वो वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो वो अगर फॉल्स है तो वैल्यू रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और ट्रू है तो वैल्यू अलाउ की जाएगी। तो ये कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे टाइप किया है, मैं आपको यहाँ पे इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यहाँ पे इसके क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे इस कॉलम को, और अब मैं डेटा में वैलिडेशन में जा रहा हूँ, और वैलिडेशन में यहाँ पे मैं कस्टम ले रहा हूँ। कस्टम लेने के बाद आपको यहाँ पे मैं जूम करके ज़रा दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला जो मैं टाइप करने वाला हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू के साथ, इज इक्वल टू में मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ काउंट इफ, और काउंट इफ में मैं कॉलम लेने वाला हूँ ये पूरा का पूरा कॉलम आपको दिख रहा है सी कॉलम। सी कॉलम में मैं काउंटिंग करूंगा और उसके अंदर पहली सेल से मुझे देना है तो मैं C1 से स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो C1 का जो भी वैल्यूज रहेगी वहाँ पे, तो टाइटल है लेकिन C1 C2 लेंगे आप तो भी यहाँ पे वही होगा, वो किससे रहना चाहिए 1। तो मतलब ये है कि ये फॉर्मूला करेक्ट रहना चाहिए, यहाँ पे ट्रू आ गया तो ही वैल्यू एक्सेप्टेड है, अगर फॉल्स आ गया तो एक्सेप्टेड नहीं है, इसका मतलब ट्रू है तो ट्रू वहां पे आता है तो ही एक्सेप्टेड है, नहीं तो नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे इतना कर दिया, अभी ये चेक कर लिखते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और 8 कर देता हूँ, आपको दिख रहा है द वैल्यू एंटर इज नॉट वैलिड, क्लियर? क्योंकि किस तरह से वो काउंटिंग हो रहा है मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वहां पे ट्रू नहीं फॉल्स हो रहा है क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर ये वैल्यू की जगह दूसरा वैल्यू, ये वैल्यू वापिस आ जाती है यहाँ पे, मैं ऐसा ड्रैग करके 3 एंटर करता, एंटर करते समय, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह से। अगर आप यहाँ पे दूसरा कुछ वैल्यू एंटर करते हैं, यहाँ पे दूसरा कुछ वैल्यू इस तरह से, तो वो एक्सेप्टेड है। लेकिन आप अगर वही वैल्यू एक्सेप्ट एंटर करते हैं जो पुरानी वैल्यूज है उसमें से कोई भी, तो वो वैल्यूज यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। क्लियर हो चुका है दोस्तों? अभी अभी आपको एरर अलर्ट मैसेज में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो तो सिंपल है, यहाँ पे जाइए एरर अलर्ट मैसेज, यहाँ पे आपको लिखना है डुप्लीकेट नंबर, कुछ भी टाइटल देना है डुप्लीकेट नंबर, और यहाँ पे मैं हिंदी में मैसेज टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है, ये हिंदी डॉट चांगदी डॉट कॉम वेबसाइट से है, और मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ उसे डायरेक्टली, और यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, एक्सेल फाइल में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और आपको दिखाई दे रहा है अगर आप ये नंबर रिपीट टाइप करते हो यहाँ पे, दोबारा टाइप कर ले तो आपको मैसेज इस तरह से दिखाई देगा। तो ये मैसेज मैंने हिंदी में यहाँ पे कस्टमाइज कर लिया। तो ये किस तरह से डुप्लीकेट वैल्यूज रिस्ट्रिक्ट हो रहा है आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आपको नाम के स्पेस के बारे में बता रहा हूँ, तो हम लोग स्पेस किस तरह से रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको उसका फंक्शन दिखा देता हूँ, ट्रिम। ट्रिम यूज कर रहा हूँ मैं इस टेक्स्ट के अंदर, उसके रिस्पेक्टिव टेक्स्ट के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे ट्रिम की वैल्यू जो है वो हमें इक्वल टू करनी होगी, तो इक्वल टू किसके साथ करनी होगी हमें, वही सेल के साथ, तो मैं उसी सेल के साथ ले लेता हूँ यहाँ पे B3। तो क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। अगर B3 में ट्रिम यूज करने के बाद यहाँ पे ट्रिम यूज करेंगे उस टेक्स्ट को तो क्या रहेगा, सपोज यहाँ पे स्पेस है बहुत सारा, तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि ट्रिम होने के बाद B3 का जो टेक्स्ट है वो B3 के साथ इक्वल नहीं है, क्योंकि B3 का पहला वाला जो टेक्स्ट है नॉर्मल टेक्स्ट वो है स्पेस के साथ, और ये ट्रिम करने के बाद सभी स्पेसेस रिमूव हो जाते हैं, तो ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। ट्रिम करने के बाद क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, खाली ट्रिम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे ट्रिम करने के बाद ये टेक्स्ट इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे स्पेस हट गया है, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे स्पेस हट गया है, तो इसका स्पेस चला जाता है। अगर यहाँ पे स्पेस हटा देंगे हम, और यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस है B3 में ओरिजिनल टेक्स्ट में, तो ये दोनों ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, और फॉल्स आ गया तो डेटा वैलिडेशन वहां पे रिस्ट्रिक्ट करेगा वैल्यू को। अगर मैं यहाँ पे एक ही स्पेस देता हूँ तो ये एक्सेप्टेड है, ये ट्रू। तो ट्रिम आपको पहले से पता रहेगा तो ये जल्दी समझ में आएगा दोस्तों कि ये ट्रू किस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। तो चलिए मैं इसे डेटा वैलिडेशन में अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इसे यहाँ पे क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में आपको कस्टम लेना है, और कस्टम में आपको फॉर्मूला टाइप करना है। फॉर्मूला में जो टाइप करना है वो मैंने बताया, यहाँ पे इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे हम, पहली सेल लेंगे यहाँ पे B1 का सेल ले रहा हूँ क्योंकि बी कॉलम में हमारा डेटा है, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप करूंगा ट्रीम, और ट्रीम के अंदर मैं यहाँ पे
यहाँ पे सिलेक्ट करना है मुझे वही सेल B1 ही, क्योंकि एक के बाद एक वो सेल ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी, पूरा कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। और बस इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है, ये यहाँ पे प्रॉपरली समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ तो इसका मतलब होता है जो B1 का ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें एक स्पेस एक्स्ट्रा है, और ट्रिम करने के बाद तो ये स्पेस हट जाता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं तो एरर आएगा। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, मैंने हटा दिया स्पेस यहाँ का और एंटर किया, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड है, कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे देखिए आप। लेकिन बीच में भी कहीं पे भी स्पेस देते हैं अमोल कंधारे के नाम पे तो भी एरर आ रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नोटिस हो रहा है कि ये टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे एंटर करने के लिए अलाउ नहीं, एंडिंग में या स्टार्टिंग में कहीं पे भी स्पेस रहने दो, एंटर करने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है। और यहाँ पे भी डुप्लीकेट नंबर एंटर करने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो काउंटिंग और वो ट्रिम को समझ लीजिए, नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे दोबारा वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर और समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और समझ में आया हो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये डेटा वैलिडेशन की ट्रिक्स आपको रियल जॉब में बहुत कुछ हेल्प करेगी। और मैं अभी आपसे अलविदा लेने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं जीते चावला रुपेश वाले को दोनों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, और मेरे सारे व्यूअर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप काफ़ी अच्छी क्वेरी मेरे पास सेंड कर रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ सबकी क्वेरी सॉल्व करने की। और चलिए, तो आप नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो। तो मैं मिलता हूँ आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।